से मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया, इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद। विपक्ष के माननीय नेता तेजस्वी यादव लगातार कल प्रवचन कर करके चुनौती दे रहे थे कि दल टूटने वाला है। अब दल टूटा या दिल टूट गया, आपके पार्टी के विधान पार्षद ने आपके नेतृत्व के खिलाफ मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। जनता तो पहले ही मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी है। धैर्य रखिएगा तेजस्वी यादव जी, राजनीति में धन अर्जन करिएगा तो यही इलाज होता है कि आपको आपके जनप्रतिनिधि आपकी छाया से भी दूर रहना चाहते हैं। आरजेडी की लालटेन बुझ रही है। बड़ी तादाद में आरजेडी के नेताओं का यकीन आरजेडी के नेतृत्व पर नहीं है, इसलिए उनके जो गठबंधन के साथी थे वो भी उनसे नाराज चल रहे हैं, और ज़्यादातर उनके यहाँ जो ज़मीनी नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं। इसलिए बड़ी फूट आरजेडी में हुई है, क्योंकि आरजेडी कोई विकल्प नहीं है बिहार के अंदर। सब लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक गुजरा हुआ कल है और एक डूबता हुआ नाव है, तो कोई भी उनके अपने सदस्य भी उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी टूट हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू जो इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आरजेडी का साथ छोड़ दिया। राजद के अंदर एक बड़ी टूट आज सामने दिख गई। जिस तरह से 5 विधान परिषद के सदस्यों ने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ले ली है, इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि अभी ये शुरुआत है और ये सिलसिला चुनाव तक जारी रहेगा। पहले कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथियों ने तेजस्वी यादव को नेता मानने से मना किया और अब अपनों ने भी दगा देना शुरू कर दिया, और ये तभी होता है जब किसी राजनीतिक दल को जनता का आशीर्वाद नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से राजद की नैया को डुबोने का मन बना लिया था, और शायद इसीलिए आज जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा किया और वो नाराज जिस तरह से बताए जाते हैं, इस श्रेणी में राजद के कई बड़े नेता आने वाले समय में अपने तेवर से तेजस्वी यादव को परेशान कर सकते हैं। और मैं मानता हूं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 में एक बड़ी जीत की ओर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बढ़ रहे हैं, और बिहार की जनता ने एक बार फिर से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। देखिए, आरजेडी के जो MLC हैं वो त्यागपत्र देखे गए हैं जनता दलियों में, तो जनता दलियों को पता है कि उनके पास जनाधार खत्म हो गया है, तो एक हैवो क्रिएट करने के लिए दूसरे दल के नेताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो MLC तोड़ने से, MP तोड़ने से, नेता तोड़ने से जनता नहीं टूटेगा। जनता यथावत है, कोरोना काल से 15 साल के कार्यकाल भी आपको देखा है, जनता इस बार तोड़ के आपको मिट्टी में मिला देगा। जैसे आप कहे थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो आपने तो हाथ मिलाया, अब जनता की बारी है, आपको मिट्टी में इस बार मिलाएगा। नीतीश कुमार को बिहार की जनता इस बार मिट्टी में मिला देगा।